अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल से आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो टोकन अमाउंट दी जाती है एट द टाइम ऑफ डीलिंग, रियल स्टेट में जब भी आप डील कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं या कुछ चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली मार्केट में डिस्कस होता है, जब एंड यूज़र कस्टमर के साथ हमारी डिस्कशन चलती है तो बहुत सारे हमारे एजेंट्स की तरफ से हमें कंप्लेन होती है कि जब कस्टमर को हम लोग टोकन अमाउंट का बताते हैं तो कस्टमर के लिए ये एक नई चीज़ होती है, या कस्टमर टोकन अमाउंट से कतरा रहे होते हैं कि हम किस तरह से ये अमाउंट पे कर दें, जबकि अभी हमें कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या वो प्रॉपर्टी फाइनल ही नहीं हुई। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कंडीशनल टोकन इज़ द अमाउंट जो आपकी डील को इनिशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ख़ास तौर पर अगर आप अगर सेल करने जा रहे हैं तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए परचेजर कंसीडर कर लें, और अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो अपने आप को आप सेलर कंसीडर करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट आपका जल्दी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन बैरिया टाउन एंड यू आर नॉट लिविंग इन कराची सिटी, आप लोग ओवरसीज़ कस्टमर हैं या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीरियर सिंध, हैदराबाद या कहीं से भी, अगर आपको मतलब इनवाइट किया जाता है इन केस ऑफ सेलिंग कि आपके विला की हम डील कर रहे हैं या प्लॉट की डील कर रहे हैं या आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, तो आप वहां से ट्रैवल करें और तशरीफ़ ले आएँ, हम लोग आपके बिहाफ पे फर्दर पार्टी से या मार्केट में या कस्टमर से किसी से भी हम लोग डील कर रहे हैं, और मतलब इसमें इस केस में कोई भी टोकन अमाउंट हमने नहीं लिया, लेकिन हम आपके बिहाफ पे डील कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टेज पे आके जो परचेज़ करने वाले लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट ज़ीरो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि यार सॉरी, हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई और आप ट्रैवल करके यहाँ हमारे ऑफिस में आ चुके हो, तो ये चीज़ हमारे लिए एम्बैरेसिंग होगी और आपके लिए बहुत पेनफुल होगी कि आपने इतनी दूर से ट्रैवल किया और आपको मतलब कोई कन्फर्मेशन भी नहीं मिली और आपकी वो प्रॉपर्टी यानी वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई जिसके लिए आपको कॉल किया गया। तो लिहाजा ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों को हम लोग इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा इंटरेस्ट शो करता है कि येस आई एम विलिंग टू बाय, तो उस केस में यू हैव टू पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडीशनल टोकन। और कंडीशनल टोकन को मैं डिफ़ाइन कर दूं मज़ीद कि कंडीशनल टोकन का मतलब ये है कि आप लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब साइज़ ऑफ प्रॉपर्टी या जो भी प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी अमाउंट बनेगी हम स्मॉल अमाउंट ऑफ टोकन अमाउंट को कंसीडर करते हैं। ये कंडीशनल आपसे वसूल की जाती है, ये आपकी अमानत होती है और ये हमारे पास सिर्फ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक मतलब इस श्योरिटी के लिए होती है कि येस यू आर सीरियस बायर। और अगर आप, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ में सेल कर रहे हैं कोई चीज़, हम आपके बिहाफ पे ख़रीदने वाले से सिर्फ एक सिक्योर करने के लिए अपने आप को और अपने कस्टमर को, दोनों एंड को सिक्योर करने के लिए हम ये टोकन अमाउंट वसूल करते हैं। इन केस आप वो प्रॉपर्टी आते हैं, विज़िट करते हैं या हम अपनी पार्टीज़ को बुलाते हैं, किसी वजह से आपको पसंद नहीं आती, तो वो टोकन अमाउंट आपको हम लोग एज़ इट इज़ पूरी अमाउंट वापस करने के पाबंद होते हैं। मैं फिर बता दूं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड के लिए कि कंडीशनल टोकन अमाउंट आप लोगों की हमारे पास अमानत होती है अनटिल अनलेस हम लोग उसको फर्दर प्रोसीड नहीं करते आपकी परमिशन के बगैर, ठीक है, आपकी परमिशन के बगैर हम उसको प्रोसीड नहीं करेंगे। लेकिन वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या ओवरऑल एक श्योरिटी होती है कि येस यू आर सीरियस बायर, और जो सेलर होगा आप वो उस प्रॉपर्टी का जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनको हम लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जी आपकी प्रॉपर्टी के लिए हमने एक कंडीशनल टोकन अमाउंट रिसीव कर लिया, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ लें, हम इसके ऊपर निगोशिएट करना चाहते हैं। अब निगोशिएशन इज़ अ बिग एलिमेंट ऑफ द डील जो रियल स्टेट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि अच्छा ये दो लाख, चार लाख, पाँच लाख रुपये का डिफरेंस है, और इसके अंदर इसको जब तक निगोशिएट नहीं किया जाता, जब तक आपको सीरियसनेस नहीं शो की जाती, तो कोई भी कस्टमर वो फाइनल प्राइस, वो फाइनल वर्ड्स बोलना ही नहीं चाहता जिस पे वो बेचने के लिए अपनी अमाउंट को, अपनी इस डील को लॉक कर देगा। तो लिहाजा इस इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, इन दोनों सूरतों में कंडीशनल टोकन की अहमियत को समझें, और कंडीशनल टोकन के साथ जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, मैं आखिर में ये भी बता दूं कि वो
पूरी जान मार के पूरी फाइट करके वो आपके बिहाफ पे मतलब आपके लिए आपकी एडवोकेसी करके वो आपके लिए फ़ाइट करते हैं हर तरह की प्राइस पे, हर तरह की लोकेशन पे वो आपके लिए भरपूर फिर वर्किंग करते हैं, आपको वीडियोस प्रोवाइड करना, आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करना, आपको लोकेशन समझाना, आपके साथ मैप की शेयरिंग। और फिर देखें ये चीज़ें कंडीशनल टोकन आप किस स्टेज पर जाके दे रहे हैं, जब आपने पूरी रिसर्च की है मार्केट से, और रिसर्च करने से आपको कोई मना नहीं करेगा कि मार्केट से पूरी रिसर्च करें, और जिस बंदे के साथ आपने मतलब एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपका मीट किया या मैच किया, आप उनको कंडीशनल टोकन दे के अपनी डील को प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइस, आप ओवरऑल लोकेशन, उसके अंदर मतलब डीलिंग स्टाइल या डीलिंग के जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों को देख के परख के जब आपने फाइनल कर लिया, तो उस स्टेज पे आके आपने टोकन अमाउंट देना है और फिर उस डील को हम लोग लॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये कंडीशनल टोकन जब भी आप किसी को देंगे, किसी को भी सड़क पे खड़े होकर किसी किस्म के कोई एक मतलब एक रुपया भी आपने पे नहीं करना। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने प्रॉपर्टी की फील्ड में, रियल एस्टेट की दुनिया में किसी से 10 रुपये का लेन देन भी करना है, तो उसको रिटर्न करना है, उसके अगेंस्ट आपकी आपके पास ऑफिस की रसीद होनी चाहिए और आपके पास एफिडेविट्स लिखे हुए होने चाहिए, आपके पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जिसको आप सेल करने जा रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट लें, उसको वेरीफाई करें और फिर जाके आप किसी को भी अमाउंट पे करें। अदरवाइज़ वर्बली कमिटमेंट किसी के साथ कोई ना करें। ये इस फील्ड के अंदर किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए आपके लिए चंद अहम बातें थी जिनको हमने जिक्र किया। और फर्दर जो भी आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे 12, 15, 18 लड़के काम कर रहे होते हैं एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स, और कंसल्टेंट्स का मतलब ये रवायत है मार्केट में कि ये आए दिन चेंज होते रहते हैं, लेकिन जिस ऑफिस के साथ आप डील कर रहे हैं आपको उनका ऑफिस विज़िट करना नहायत ज़रूरी है, और उनके ऑफिस के CEO यानी जो ऑफिस ऑनर हैं या उनके टीम लीडर, मैनेजर, वॉट एवर, उनके साथ आपका ये बात करना ज़रूरी है। उनके सिग्नेचर के साथ, स्टैम्प के साथ आप उनकी ऑफिशियल रिसीट्स हासिल करें जब भी आप पेमेंट दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आई बिलीव के आप लोग किसी भी किस्म के फ्रॉड से या दो नंबरी से या मतलब मिस लीड होने से आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।